नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माय कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू दोस्तों। कंगना रनौत को जड़ा गया थप्पड़, जी हाँ, आपको पता ही होगा, हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद चुनी गई बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ गुरुवार को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बड़ी घटना सामने आई है। एक महिला सियासी कर्मी ने उन्हें थप्पड़ दे मारा, जी हाँ। इस घटना के बाद एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल सा बन गया। कंगना काफी गुस्से में दिखे, एक वीडियो में उन्हें कुछ कहते देखा जा सकता है। कंगना का स्टाफ भी काफी गर्मा गर्मी में सीआईएसएफ और एयरपोर्ट से नाराजगी दर्ज कराता है। आखिरकार पूरा माजरा क्या था, चलिए अब आपको बता ही देते हैं। सूत्रों के अनुसार सांसद चुने जाने के बाद कंगना रनौत दिल्ली जाने के लिए वहां चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आई थी। सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत फ्लाइट से दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट पर तलाशी के लिए रुकी। वह तलाशी के लिए एसएच एरिया में पहुंची। यहां सीआईएसएफ के एक महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने उनकी तलाशी ली। तलाशी के बाद महिला कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने की आरोपी महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कहा है कि कंगना रनौत ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के दौरान पंजाब की महिलाओं के बारे में एक गलत बयान दिया था। पंजाब की महिलाएं पैसे के